नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग बंदा ऑन यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे एक डेस्टिनेशन के बारे में जो थाईलैंड से सस्ता ही नहीं, थाईलैंड से कई हद तक ज्यादा सुंदर भी है। जी हाँ, हम वियतनाम के बारे में आज सारी जानकारी जानने वाले हैं। तो हम देरी नहीं करते हैं, हम रुके क्यों है, चलिए शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। फ्लाइट्स टू वियतनाम। इंडिया से वियतनाम जाने के लिए हाल ही में बहुत सारे फ्लाइट्स उपलब्ध हो चुके हैं। जैसे कि अगर आपको दिल्ली से जाना है होचीमिन सिटी, तो आपको वियतजेट एयरलाइन पकड़ के आपको राउंड अबाउट 9000 में राउंड ट्रिप पड़ेगी। अगर आप कोलकाता से हनोई या होचीमिन सिटी जाते हो एयर एशिया की फ्लाइट पकड़ के, तो आपको लगभग 12000 में रिटर्न ट्रिप हो जाएगा। मुंबई से आप अगर होचीमिन सिटी जाते हो तो आपको कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, जो आपको कुआलालंपुर में एक हॉल्ट लेगी और 17000 पड़ेगा इसका आपको राउंड ट्रिप। बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन या चेन्नई, साउथ इंडिया में से आप अगर फ्लाइट पकड़ के जा रहे हो तो आपको एयर एशिया बेस्ट ऑप्शन है और आपको 12000 रुपये में राउंड ट्रिप पड़ जाएगा। तो अभी हम जानते हैं कि वियतनाम जाने का वीज़ा का क्या प्रोसेस है। वैसे तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वियतनाम में वीज़ा ऑन अराइवल ग्रांट किया जाता है, पर इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको एक वीज़ा ऑन अराइवल लेटर लेना पड़ेगा इंडिया से निकलने के पहले, जो वियतनामीज इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इशू करती है। आप ऑनलाइन जाके सिंपली अगर सर्च करोगे ये टर्म के लिए कि आपको वियतनाम वीज़ा ऑन अराइवल लेटर फॉर इंडियंस, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसकी फीस है लगभग $18 और 15 से 20 मिनट या 24 घंटे के अंदर में आपको लेटर ईमेल में आ जाता है। आपको सिर्फ इसका प्रिंट आउट लेना है और आपको प्लेन में चढ़ के वियतनाम में लैंड होना है। वहां पे लैंड होने के बाद में आपको $45 आपको कैश कैरी करना पड़ेगा इन अमेरिकन करेंसी, जो आपके वीजा का फीस है। ये साथ में आपको दो पासपोर्ट साइज फोटो 4x6 सेंटीमीटर की आपको सबमिट करनी है और इमीडिएटली आपको वीजा स्टैम्प मिल जाता है वियतनाम का। तो अभी हम नेक्स्ट जानते हैं कि वियतनाम में आप जब जाओगे तो आपको कहाँ कहाँ विजिट करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले सिंपल चीज बता देता हूँ कि आप जब लैंड होगे इंडिया से आप जाओगे तो आप मोस्ट लाइकली होचीमिन सिटी, जो उनकी राजधानी सिटी है, जिसे साइगोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे लैंड होगे। ये एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर सिटी है, आप यहाँ पे 2 से 3 दिन आराम से काट सकते हो। साथ में आपको सापा, हनोई और हालोंग बे भी मैं देखने सजेस्ट करूंगा। वियतनाम का वेदर बहुत ही बढ़िया है, कई हद तक इंडिया के वेदर जैसा है। अगर आपको वियतनाम जाना है तो आपको ध्यान रखना कि नॉर्थ और साउथ जैसे इंडिया में भी लागू है, आपको वेदर और क्लाइमेट अलग मिलेगा। तो अगर आपको नॉर्थ में जाना है तो बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर है मार्च और मई के बीच में, और सितंबर से नवंबर भी एक अच्छा टाइम है। और अगर आपको सदर्न रीजन ऑफ वियतनाम जाना है तो मैं आपको गारंटी बोलूंगा कि दिसंबर से अप्रैल के टाइम पे जाइए, तब वेदर बहुत ही अच्छा और प्लेजेंट होता है। तो अभी नेक्स्ट हम जानते हैं कि वियतनाम में रहने का क्या बंदोबस्त है। वैसे तो वियतनाम एक बहुत ही सस्ता कंट्री है, तो आपको रहना भी वहाँ पर काफ़ी चीप ही पड़ेगा। अगर आप सोलो ट्रैवलर या इंडिविजुअल ट्रैवलर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हॉस्टल स्टे में ही रहिए। आपको बहुत ही साफ सुथरे हॉस्टल्स विद एसी रूम आपको 3 या 4 लोगों के साथ शेयरिंग में 300 से 600 रुपया पर नाइट के बीच में पड़ेगा। कभी कभी इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड रहता है। और अगर आप ग्रुप ट्रैवलर या फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपको 3 स्टार एंड अबव की कैटेगरी की होटल विद ब्रेकफास्ट आपको कभी कभी 2500 के ऊपर के रेंज में मिल जाता है ऑन ट्विन शेयरिंग बेसिस। एक और ग्रेट ऑप्शन जो रिसेंटली आया है, जो मैंने भी यूज़ किया था अपने ट्रिप पे, कि मैंने एयरबीएनबी बुक किया था अपने दोस्तों के साथ। हम 4 लोगों को रहने के लिए वहाँ पे 1500 रुपया पर नाइट में पूरा रूम मिल गया था, सब कुछ एमिनिटीज़ के साथ। तो नेक्स्ट हम जानते हैं वियतनाम में खाने और पीने का क्या बंदोबस्त है। वियतनाम एक फूडी पैराडाइज है, यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया क्यूजीन मिलता है खाने पीने के हिसाब से। आपको जब भी जाएंगे वहाँ पे फ्रेश सी फूड हर जगह पे मिलेगा। मेजरली लोग सी फूड, चिकन और मीट यहाँ पे बहुत कंज्यूम करते हैं,
तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी रेस्टोरेंट में जाने के पहले प्लीज़ इंक्वायरी करके ही अंदर जाके फिर ऑर्डर दीजिए। वैसे तो काफ़ी इंडियन टूरिस्ट के वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, तो आपको कोई भी बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एवरेज मील की कॉस्ट यहाँ पे वेजिटेरियंस को पड़ेगी लगभग 125 रुपये पर पर्सन और एक नॉन वेजिटेरियन के लिए 200 रुपये पर पर्सन। तो अभी आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि वियतनाम जाने का बजट हमारा कितना होगा। वैसे तो हमारा करेंसी वियतनाम में काफ़ी भारी है, जाने की एक रुपया वहाँ के 305 रुपया उनके करेंसी में हो जाता है लगभग। तो अगर आप स्टे, मील और इंटरनल ट्रैवल के बारे में बात करेंगे तो अगर आप सोलो ट्रैवलर के बजट पे जा रहे हो तो आपका 7 दिन का ट्रिप आपको करीबन 1200 रुपया पर नाइट के हिसाब से आपको पड़ेगा। अगर आप ग्रुप ट्रैवलर में जा रहे हो तो आपको 7 दिन का ट्रिप कम से कम आपको 3500 रुपया पर डे फॉर अ फैमिली ऑफ 4 पड़ेगा। इसमें मैंने फ्लाइट इंक्लूड नहीं किया क्योंकि फ्लाइट के प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हैं। तो आप अगर मैथ लगा लोगे कि अगर आप सोलो ट्रैवलर के हिसाब से जा रहे हो तो आप पूरा ट्रिप कम से कम 18 से 20 हज़ार में 7 दिन का तबियत का करके आ सकते हो। तो ये था हमारा पूरा वियतनाम ट्रिप का कवरेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स गाइज। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं जल्द, तब तक ख्याल रखिए अपना। ट्रैवलिंग बंदा आउट।